क्या आप भी अपने एमएस वर्ड में सिंबल का प्रयोग करना जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आज के वीडियो में हम आपको अपने एमएस वर्ड में सिंबल कैसे बनाया जाता है, अगर हमें अपने एमएस वर्ड में सिंबल का शॉर्टकट कीज क्रिएट करना हो तो कैसे क्रिएट करेंगे, या शॉर्टकट कीज की सहायता से सिंबल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। तो आइए हम इसका प्रयोग करना जानते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इंसर्ट ऑप्शन में जाना है। इंसर्ट ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर मिलेगा हमें सिंबल का ऑप्शन। सिंबल के ऑप्शन पर क्या करना है, आपको माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद पहले तो यहाँ पर आपको कुछ सिंबल दिखाई देंगे। अगर आपको और सिंबल चाहिए तो बस क्या करो, आप मोर सिंबल में जाइए, यहाँ पर क्लिक करिए तो आपके सामने कुछ सिंबल यहाँ पर दिखाई देंगे। अगर आपको यहाँ से जितने भी सिंबल चाहिए तो ड्रा करते हुए आप नीचे आ जाइएगा। अगर आपको और सिंबल चाहिए, इससे भी अधिक सिंबल चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक करिएगा। तो यहाँ पर देखिए सिंबल के लिए आपके लगभग 3-4 ऐसे फॉन्ट होते हैं जो कि सिंबल बनाते हैं। तो सबसे पहले तो वेबडिंग आता है, फिर आता है आपका विंगडिंग, फिर विंगडिंग 2 और विंगडिंग 3। यानी ये आपके लगभग 4 ऐसे फॉन्ट होते हैं जिससे कि हम अपना सिंबल क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम वेबडिंग के बारे में जानेंगे। आप इस पर जाइए, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए वो सिंबल आपको पूरे मिल जाएंगे जिसका प्रयोग आप अपने एमएस वर्ड में यहाँ से कर सकते हो। अब यहाँ पर आते हैं कि अगर मान लीजिए शॉर्टकट कीज की सहायता से अगर हमें किसी भी सिंबल को प्रयोग करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे देखिए आपका यहाँ पर दिया है, आपका यहाँ पर मेडल यानी कि आपका कप दिया गया है। अगर आपको अपने एमएस वर्ड में कप का प्रयोग करना हो, ठीक है, तो इसका शॉर्टकट कीज अगर आपको चेक करना हो कि क्या होता है तो आप यहाँ पर पहले क्लिक कर दीजिएगा। यानी जिस भी सिंबल का शॉर्टकट कीज आपको देखना हो तो पहले उस सिंबल के ऊपर आपको माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे तो लिखा है आपका वेगडिंग 37। यानी ये जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है इसका शॉर्टकट कीज क्या आपका 37, यानी कि इसका जो शॉर्टकट कीज है क्या आपका 37। अब इसको अगर प्रयोग करना हो तो पहले तो आपको अपने पेज पर क्या करना है, माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको एक शॉर्टकट कीज अपनाना है, अल्ट की। अल्ट की आपको दिख रहा है ना, अल्ट की को प्रेस किए रहिएगा। फिर क्या करिएगा, आपका यहाँ पर जो नंबर दिया गया है वही नंबर आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रेस कर देना है। तो मैं यहाँ पर अल्ट के साथ 37 प्रेस कर देता हूँ, फिर अल्ट को छोड़ देता हूँ। अब जैसे ही हम अल्ट को छोड़ेंगे तो जो हमारे यहाँ पर सिंबल होगा वो यहाँ पर बनकर आ जाएगा। अब आता है नेक्स्ट, ये ऐसे कुछ सिंबल और होते हैं जिनका प्रयोग आप कर सकते हो। जैसे आपका यहाँ पर देखिए स्पाइडर दिख रहा है, अगर स्पाइडर का प्रयोग करना हो यानी स्पाइडर को इंसर्ट करना हो तो बस क्या करो, आप इसको पहले देख लो, फिर यहाँ पर देख लो उसका शॉर्टकट कीज क्या है यानी उसका कोडिंग क्या है। तो यहाँ पर देखिए इसका कोडिंग है 33। तो बस क्या करना है, आपको यहाँ पर आ जाना है अपने पेज पर, फिर क्या करना है, अल्ट की को प्रेस किए रहना है और यहाँ पर 33 को प्रेस कर देना है। तो जो आपका स्पाइडर का सिंबल होगा वो यहाँ पर बनकर आ जाएगा। अब हम आप सबको एक बात क्लियर कर देते हैं कि इसमें ऐसे कुछ सिंबल होते हैं जो कि शॉर्टकट कीज होने के बाद भी क्या होता है, हमारा इसमें इंसर्ट नहीं हो पाते हैं। यानी उनका शॉर्टकट कीज होता है, उनका कोडिंग होता है, लेकिन वो उसके प्रयोग से भी क्या होता है, उसमें इंसर्ट नहीं हो पाता है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ता है, उनका शॉर्टकट कीज बनाना पड़ता है, नया शॉर्टकट कीज क्रिएट करना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पर देखिए आपका बाइक दिया गया है, अगर आप इसमें बाइक इंसर्ट करना चाहेंगे तो बाइक का कोडिंग देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, 140 यानी 140 दिया गया है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर 140 का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर जो आपका बाइक दिख रहा है उसका सिंबल नहीं आएगा। तो करके देखते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अल्ट की को प्रेस करते हैं और यहाँ पर इसका जो कोड है यानी 140 वो हम यहाँ पर प्रेस कर देते हैं और अल्ट की को छोड़ देते हैं। अब जैसे ही हम अल्ट की को छोड़ेंगे तो यहाँ देखिए इसका सिंबल कुछ और ही बनकर आ रहा है, यानी यहाँ पर 3 लाइन दिख रहे हैं लेकिन हमारा जो बाइक का सिंबल है वो नहीं आया। तो इसमें से कुछ ऐसे शॉर्टकट कीज यानी कुछ ऐसे आपके सिंबल होते हैं जो कि शॉर्टकट कीज का प्रयोग करने के बाद भी नहीं आता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, उनका शॉर्टकट कीज बनाना पड़ता है। तो आइए अब हम इसका शॉर्टकट कीज कैसे बनाते हैं वो करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पर मिलेगा शॉर्टकट कीज का ऑप्शन। तो आप क्या करो, यहाँ पर जाओ शॉर्टकट कीज पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा प्रेस न्यू शॉर्टकट कीज, ठीक है। आप बस क्या करो, यहाँ पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एक कंट्रोल की होता है यानी कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है कंट्रोल की, और फिर उसके बाद जो भी शॉर्टकट कीज जिसका बनाना हो बस नंबर की से क्या करना, वो नंबर आपको प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, वो नंबर दे देते हैं। देने के बाद यहाँ से क्या करेंगे, हम असाइन का ऑप्शन आता है, यहाँ से असाइन पर क्लिक कर देंगे। फिर क्या करेंगे, हम यहाँ से इसे क्लोज कर देंगे तो जो हमारा शॉर्टकट की जो वहां पर बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, आप इसका प्रयोग करेंगे। तो बस क्या करना है, आपको कंट्रोल के साथ उस नंबर को प्रेस कर देना है जो आपने यहाँ पर दिया था।
अब अगर आपको इसी तरह से और किसी सिंबल का शॉर्टकट कीज बनाना हो या नया शॉर्टकट कीज क्रिएट करना हो तो आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हो। जैसे इसमें देखिए हमारा एक बर्ड है यानी कि चिड़िया है। अगर मैं एक चिड़िया का शॉर्टकट कीज बनाना हो, पहले हम इसका प्रयोग करके देख लेते हैं कि इसका काम करता है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए जो बर्ड है यानी जो कबूतर है आपका, उसका कोडिंग क्या है आपका 255। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर आते हैं और अल्ट के साथ 255 प्रेस करते हैं और देखते हैं। अब यहाँ पर जैसे हमने 255 का प्रयोग किया है तो यहाँ पर देखिए कुछ और ही बनकर आया है। अब ऐसे में हम क्या करेंगे, तो इसका भी शॉर्टकट कीज बनाना पड़ेगा यानी कि नया शॉर्टकट कीज क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए बस वही आपको करना है, शॉर्टकट कीज में जाना है। यहाँ पर जाने के बाद अब आपको जो भी शॉर्टकट कीज देना हो दे दीजिए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कंट्रोल के साथ 2 टाइप कर देते हैं, यानी कंट्रोल के साथ क्या करेंगे हम 2 दे देंगे, फिर यहाँ से असाइन कर देंगे। असाइन करने के बाद यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब हमें क्या करना है, बस यहाँ पर अपना कर्सर रख लेना अपने पेज पर, फिर क्या करना है कंट्रोल के साथ 2 को प्रेस कर देना है। अब जैसे कंट्रोल के साथ 2 प्रेस करेंगे तो जो हमारा बर्ड होगा वो यहाँ पर बनकर आ जाएगा। तो सो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।